यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों एक बार जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि दो मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक तो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो थर्ड राउंड की काउंसिलिंग चल रही है, दूसरा हम बात करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में सीट के जो बढ़ रही है उसमें क्या 33,916 सीटों को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि 5,000 के आसपास हमारे उत्क्रमित विद्यालय हैं बिहार में, और इन उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी चल रही है क्योंकि ये अभी अपग्रेड किए गए हैं, पहले तक अपग्रेड नहीं किए गए थे। तो जो 5,400 के आसपास इसी ये आंकड़ा जो है इसी के आसपास है, ठीक है। तो हाँ, उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या अगर इतनी ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे 32,000 शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी? उसमें 1,000 कंप्यूटर शिक्षक हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद कम से कम 47,000 जो पद हैं वो बच गए हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे खुद शिक्षा मंत्री ने ही कहा है कि खाली नहीं रहेंगे शिक्षकों के पद, विजय कुमार चौधरी। देख सकते हैं इन शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन में जिस इकाई की रिक्तियां बच रही हैं उसे भी भरा जाएगा, किसी को धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक नियोजन का नया चरण तभी शुरू होगा जब पहले से चल रहा छठा चरण पूरा हो जाएगा। शिक्षक नियोजन का चरण पूरा होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप के बाद उलझ सी गई थी। न्यायालय से आदेश लेकर इसे शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तब गड़बड़ी करने वालों के बारे में सूचनाएं पहुंचाए, उचित कार्रवाई सरकार करेगी। इनका कहना है दोस्तों कि ये शिक्षकों के पद को खाली नहीं रहने देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री सख्त हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो किसी भी तरीके से पदों को खाली नहीं रहने देंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे एसटीटी खबर की ओर। देखिए दोस्तों, ये लेटर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेटर का आप लोगों के लिए बहुत महत्व है, तो ये लेटर संभाल के स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को जानकारी यह होनी चाहिए कि अपग्रेडेड स्कूलों में जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस लेटर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लेटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 32,916 जो भी शिक्षकों की नई बहाली होने जा रही है वो माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेड स्कूलों में होगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ अन्य सीटें भी जोड़ी जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल मिला के 33,916 शिक्षक के पदों की सृजन को स्वीकृति के संबंध में। देखिए, ये लेटर तब जारी किया गया था जिस टाइम पे हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, और उनके टाइम पे लेटर जो है वो जारी कराया गया था। इस लेटर का जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो ये था कि अपग्रेडेड स्कूलों में 32,916 प्लस 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल किया जाए। तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी वो हम देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अद्यतन 2,676 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आच्छादित किया जा चुका है। उक्त 2,676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 201 उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रति विद्यालय के लिए 5-5 माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। शेष 2,475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतन माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित नहीं है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा अपडेट दिया गया है, पूरा का पूरी बातें बताई गई है कि किस प्रकार से 2,676 माध्यमिक विद्यालय जो हैं पंचायत विहीन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो किस तरीके से इनकी संख्या जो है पंचायतों में नगर निकाय में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है,
दे सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है, 5-5 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 201 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय के लिए 5-5 दे सकते हैं। प्रति विद्यालय में दे सकते हैं दोस्तों कि 5-5 शिक्षकों को रखा जाएगा, वो भी माध्यमिक STT क्वालिफाइड, ठीक है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय भी इन पंचायतों की कुल संख्या दे सकते हैं 2950 है, और पूरा अगर हम पूरे बिहार के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो ये 5000 के आसपास है, ठीक है, दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि 2950 हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त पंचायत की चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग 9 का संचालन करने हेतु विभाग के स्तर पर आवश्यक तैयारी की जा रही है, दे सकते हैं। वर्तमान में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं भविष्य में संचालित होने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सृजित पद के अंतर्गत कुल दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल सृजित पद कितने हैं, 49,361 कुल देख सकते हैं टोटल मिला के। यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि 33,000 जो 916 ये तो आपके अपग्रेडेड विद्यालयों के लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 37,000 और लगभग आप उसके बाद अनुमान लगाइए कि 37 आपके ये हो रहे हैं, 33,916 ये हैं, 33 आप ये मान लीजिए, उसके बाद आपके कितने खाली रह जाते हैं दोस्तों देख लीजिए, उसके बाद 15 से 20 हज़ार आसपास, मैं एक करेक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, इसके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 हज़ार अन्य जो है सीटें हैं बढ़ाई जाएंगी इसमें, वो सीटें होंगी सिंपल उन विद्यालयों के लिए जो पहले से अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गौर फरमा के दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसको, देखिए यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये देखिए। तो साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इन माध्यमिक विद्यालयों में जो आपके 49,361 जो पद हैं वो सृजित किए जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। मैं आपको ये पूरा का पूरा ये आंकड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं, आगे देखिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि ICT स्कूल योजना से आच्छादित हुए हैं उनमें कंप्यूटर विषय के लिए पूर्व में 1000 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं, ऐसे विद्यालय के लिए 1000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजन की आवश्यकता है। आगे है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, संप्रति समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किसी वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में क्रमशः 165 एवं 201 मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए प्रति विद्यालय 5 माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृति दी गई है। तो देख सकते हैं कि प्रति विद्यालय में 5 से, तमाम चीज़ें दोस्तों आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए क्या क्या बातें लिखी है। इस प्रकार उक्त सृजित होने वाले 33,916 के पद के सृजन का विभागीय संकल्प संख्या 1632 दिनांक दे सकते हैं 21/6/17 के आलोक में व्यय भार तदनुसार परिमार्जित होगा, दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए बताया गया है किस किस विषय में कितने पद होंगे आपके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।